नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। केंद्र की मोदी सरकार और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के बीच जंग जारी है। इस बीच खबर है कि ट्विटर ने भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया है। नायडू के निजी ट्विटर हैंडल पर लगा ब्लू टिक का निशान हटा लिया गया है। इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग जबरदस्त नाराजगी जता रहे हैं। हालांकि लोगों का मानना है कि उपराष्ट्रपति का निजी ट्विटर अकाउंट काफ़ी समय से इनएक्टिव था, शायद इसी वजह से ट्विटर ने इसको अनवेरिफाइड कर दिया है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। इसको लेकर ट्विटर और मोदी सरकार के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। इस पूरे वाक्य की शुरुआत तब हुई जब भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक टूल किट पोस्ट करते हुए इसे कथित तौर पर कांग्रेस द्वारा बनाया गया और फर्जी बताया। इसके तुरंत बाद ट्विटर ने संबित पात्रा के इस ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के दिल्ली और गुरुग्राम ऑफिस पर छापेमारी की थी। गौरतलब है कि ट्विटर ने 4 साल बाद अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम दोबारा से शुरू कर दिया है। इसके बाद ट्विटर के यूजर्स ब्लू टिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।